देखिए ये मैंने मूंग की दाल यानी साबित मूंग को बनाए हैं, साबित मूंग को भिगो कर रख कर मैंने बनाए हैं। ये देखिए ये बहुत टेस्टी होती है, इसमें फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से बनाई जाती है, और बहुत सिंपल और सादी होती है। तो चलिए हम बनाते हैं आज मूंग की सिंपल दाल, साबित मूंग की दाल। हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखिए आज हम साबुत मूंग का दाल बनाएंगे, वो भी गांव वाली स्टाइल में। अच्छा, गांव वाली स्टाइल में दाल बनाना है तो चलिए मिट्टी के बर्तन में बनाया जाए तो कैसा। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गांव के स्टाइल में हम दाल बनेंगे। बहुत ईजी है, इसमें चीज़ें भी बहुत कम लगने वाली हैं। तो ये मैंने 2 ग्लास तकरीबन आधा किलो मूंग रात में ही भिगो कर रख दिए थे। अब ये मैं पहले इसको बॉईल कर लूँगी, मेरे पास मिट्टी का बर्तन है, मैं उसमें बॉईल करूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम ये 2 ग्लास है, 2 ग्लास पानी डालेंगे। तो चलिए अब ये इसमें मैंने पानी डाल दिया, देखिए इतना डूब जाना चाहिए, इतना हम पानी डालेंगे। और इसमें और कोई चीज़ नहीं डालना है, इसमें पानी डालेंगे, थोड़ी हल्दी और 2 पंखुड़ी लहसुन डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 2 पंखुड़ी हम लहसुन डालेंगे, अपना गौरान होता है इंडिया में तो वो बहुत टेस्टी होता है, उसका सुगंध बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अब मैंने ये 2 डाल दिए और इसमें 1/2 टीस्पून में हल्दी डाल दूँगी। ये 1/2 टीस्पून हल्दी मैंने डाल दी है, नमक हम बाद में डालेंगे। और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल इसलिए डालेंगे ये जल्दी से गल जाए, और अपने को ज़्यादा गलाना भी नहीं है। और झटपट आपको बनाना है तो आप कुकर में लगा दीजिए, इसको बहुत ही जल्दी गल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम भिगा कर रखे हैं इसको। अब देखिए बघार का सामान तैयार करेंगे। अब बघार में देखिए हमें क्या क्या चाहिए। बघार में 1 प्याज हमने ले ली है, 1 टोमेटो ये लिया है, हरा धनिया मुट्ठी में जितना है उतना, आप हरा धनिया की जगह पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, पुदीने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पुदीना के 4-5 पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, बहुत टेस्ट आता है। ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम गरम मसाला है, ये आपको चाहिए तो लीजिए वरना कोई ज़रूरत नहीं। ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, ये थोड़ी सी हल्दी है, ये देखिए इस तरह से लंबा लंबा कटा हुआ अदरक है, और ये लाल मिर्च, और हमें चाहिए अब नमक और तेल, बस इतनी चीज़ें। अब हम इसे हम बघार दे देंगे। देखिए ये हमारी दाल इस तरह से हो गई, हम इसे बस इस तरह से घोटेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको एकदम हमें मैश नहीं करना है, एकदम से इसी तरह रखना है, ये पता चले कि भाई ये मूंग है, साबित मूंग। अब इसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल दूँगी। ये देखिए अब इसे हम बघार देने के लिए ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, अब इसको ऑयल को थोड़ा चेक कर लेंगे ज़ीरा डालकर। तो ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, हम ये पहले ज़ीरा डाल देंगे, और अब इसमें हम ये प्याज भी डाल देंगे। फ्रेंड्स इसमें हमें ये 3 जो लाल मिर्च हमने ली थी, ये लाल मिर्च डालनी थी लेकिन मैं भूल चुकी, ज़ीरे के बाद में ये लाल मिर्च डाल देनी चाहिए कि वो थोड़ी अच्छी सी हो जाए, बस उसका ये तेज़ नहीं होगी, फीकी है, इसका टेस्ट थोड़ा सा इसके अंदर उतरेगा। तो फ्रेंड्स ये मूंग इस तरह से हो चुके हैं, इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, ये हमने थोड़ा नमक डाल दिया, नमक चक्कर डालना है। और इसमें से अब एक काम कर सकते हैं हम कि ये हम हमारे बच्चों के लिए निकाल सकते हैं, ये बच्चों को पेट को तकलीफ़ भी नहीं होगी क्योंकि रात में भिगो कर रखे, इसमें फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और शुगर पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। भिगा कर सुबह में तल कर ज़रा सा तवे पर मिर्ची लहसुन डालकर उसे भून लीजिए और दीजिए, ये बहुत असरकारक है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे प्याज हो चुकी है, अब ये मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। ठीक है, अदरक आपको इस तरह से डालना है तो डालिए, नहीं तो ये बहुत अच्छा लगता है मुँह में जब आता है, किसी किसी को पसंद नहीं होता है। अब ये हो चुका है, अब इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन डालूँगी। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन डालेंगे। देखिए मैंने पहले 2 पंखुड़ियाँ लहसुन डाली थी, फिर अदरक डाला है, अब इसे हम भून लेंगे। ये लहसुन हमने भून लिया है, अब इसमें ये हम जो मसाला है, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी हम ये इसमें डाल देंगे।
और इसको थोड़ा भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा हो चुका है। अब इसमें मैंने जो एक मुट्ठी हरा धनिया लिया था, ये हरा धनिया मैं इसमें भून लूँगी, इसको भी हरा धनिया, और आधा हरा धनिया रखा है, आधा हरा धनिया इसमें डाला है, या हरा आधा धनिया मैंने इसी तरह से रखा है। अब मैं इसमें और अब मैं ये इसमें टोमेटो डाल दूँगी, और टोमेटो को हमें अच्छा नरम होने तक इसमें तल लेना है। हर चीज़ हमें आती है बनाना, बस थोड़ा सा अलग अलग या डिफरेंट टाइप का थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी न्यू टेस्ट मिले, घर में भी सब खुशी खुशी खाए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये थोड़ा सा नमक डालेंगे टोमेटो जल्दी से नर्म हो जाए। तेल की जगह आप घी ले सकते हैं, और तेल कम ले सकते हैं, जितना कम खाए उतना, इसमें तो बहुत ज़्यादा तेल हो चुका है तो आप कम लीजिए, किसी को तेल बहुत ज़्यादा चाहिए। जैतून का तेल यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, कोई भी तेल लीजिए, या फिर तेल की जगह देसी घी लीजिए, जो भी आपको पसंद है लीजिए। हर इसका देसी घी का टेस्ट में अलग होगा, सरसों के टेस्ट अलग होगा। ये देखिए मेरे टोमेटो भी हो चुके हैं, प्याज थोड़ी ज़्यादा ही लाल हो चुकी है। अब मैं ये इसको इस बघार को अपने मूंग में डाल दूंगी, ये मूंग में हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये एक दो तीन मिनट मैं इसको पकने दूंगी, इसमें हमने बघार डाल दी है, और दो तीन मिनट बघार इसके बाद में, इसे पकने के बाद इसमें थोड़ा नमक चेक कर लीजिए, क्योंकि नमक है तो हमने पहले डाला है थोड़ा, और नमक चेक कर लिए तो बहुत अच्छा, ज़्यादा हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, कम हुआ तो मिला सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी, नमक चक्कर डालिए प्लीज़, नमक चक्कर डालिए, क्योंकि कम हुआ तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब ये मेरा पक चुका है, देखिए कितनी प्यारी है। अब मैं इसको सर्व करूँगी, ये मेरा मिट्टी का बर्तन है, इसी में सर्व कर दूँगी। इसमें ज़ीरे से ये बघार दिया हुआ है पहले, देखिए कितने ज़बरदस्त हो चुका है, इसको देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और अब ये जो ऊपर से हम हरा धनिया जो है, जो काट कर रखा है, ये ऊपर से इसमें डाल देंगे। देखिए ये हमारी मूंग की दाल बन चुकी है, और ये बहुत टेस्टी होती है, इसमें ज़्यादा मसालों की वगैरह की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अदरक लहसुन ये सब डाल दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। फ्रेंड्स, ये हमारी मूंग की दाल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स करिए, अपने कमेंट्स बताइए कि कैसा लगा आपको। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।